नमस्कार, मैं हूं कनिष्क और अर्थ प्रकाश न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं कालका में, जहां पे चुनाव होने वाले हैं, और अभी हम बात करेंगे यहां के लोगों से कि वो क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर। मैं सुरेश कुमार हूं जी, सुरेश कुमार। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी का सबसे ज़्यादा दबाव है? मेरे को प्रदीप चौधरी का लग रहा है बाबू जी। और प्रदीप चौधरी मतलब कांग्रेस की तरफ से हैं, इनका दबदबा अंदर ज़्यादा है। तो बात की जाए, इससे पहले वो इनेलो में थे, तो इनेलो में चौटाला साहब के पे थे ये। हाँ जी, और वो भी गुड बंदे थे जी, और इनका गांव की सारी वोट प्रदीप चौधरी को ही जाएगी यहाँ से। तो कौन कौन से काम है प्रदीप चौधरी जी के जो आपको अच्छे लगे हैं? और लतिका शर्मा जी भी हैं जैसे बीजेपी के, तो वो इतनी पावरफुल आपको क्यों नहीं लग रही? वो ऐसा सर, इन्होंने लग तो वो भी ठीक है, हमारे को तो इतना वो नहीं है, लेकिन जब सरकार इनकी आई थी इन्होंने ऊपर खेड़ा सीताराम में कोई काम नहीं हुआ, उधर डंगे गिर गए बरसातों में, नालियाँ नूड़ियाँ सब भरी, कोई सफाई नहीं हुई, तो इसलिए प्रदीप चौधरी को ही हम ले आना चाहते हैं। आपका नाम? गुलशन कुमार। गुलशन जी, इस बार बहुत सी पार्टी जो है वो कालका में उतरी हैं, तो किस पार्टी का जोर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा है? जोर तो बीजेपी का ही है जी ज़्यादा, तो बाकी ये इनेलो से इसमें आने करके थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है कांग्रेस। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी का जो जोर है वो सबसे ज़्यादा है? सरकार इनकी है जी, जोर तो इन्हीं का ही होगा, फिर जो काम होंगे तो सरकार के थ्रू ही होंगे ना, ये फर्क है। तो लतिका शर्मा जी जो हैं वो विधायक मतलब हैं अभी, और फिर से उन्हें टिकट मिली है यहाँ पे, तुम्हें कोई ऐसे काम जो आपको बहुत अच्छे लगे हों? काम है, आती है हर हफ्ते, रोज़ ही आती है तकरीबन यहाँ पर, आती रहती है, लोगों से मिलती है, कोई उनकी तकलीफ़ है करती है। तो मतलब कैसी तकलीफ़ें हैं उनको देखनी पड़ती? जैसे नहीं, तकलीफ़ें ऐसे हैं जैसे सुधार तो किया है, हर एक गली महल्ले का सुधार हुआ है, और भी सुधार कई हुए हैं। आपका नाम सर? रतनलाल। लतका और कांग्रेस से चौधरी प्रदीप चौधरी है, बस दोनों का मुकाबला ही नहीं है, दोनों जीतेगा, जोड़ सा जीतेगा, एक जीतेगा। तो इस बार कांग्रेस ने यह भी नारा लगाया है कि अब की बार 75 पार, तो 75 पार कर पाएगी भाई? ये नहीं हम कह सकते, वो तो टाइम बताएगा। विकास तो ज़्यादातर कम से कम ही हुआ है, कोई खास नहीं हुआ, ये मतलब उस टाइम होता था, प्रदीप के टाइम भी ठीक हुआ, कांग्रेस के टाइम भी मतलब ठीक ही हुआ विकास। वैसे क्या विकास हुआ था उस टाइम जो अभी नहीं हुआ? जो रोड देखो, रोड सारे स्थिति से मरी पड़ी है, रोड कोई नहीं, कोई नया कोई काम नहीं मतलब ऐसा हुआ जो होना चाहिए आगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।